आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ तुषार। पिछले दिनों नसरुद्दीन शाह द्वारा दिए गए एक स्टेटमेंट ने सोशल मीडिया समेत बॉलीवुड गलियारों में भी खलबली मचा दी है। दरअसल अपने इंटरव्यू के दौरान नसरुद्दीन शाह ने गदर 2, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों के हिट होने के ट्रेंड को डेंजरस बताया। इस पर अनिल शर्मा का रिएक्शन आ चुका है। वो कहते हैं, मैंने नसीर साहब का वो कोट पढ़ा, मैं हैरान हूँ पढ़कर। नसीर साहब तो मुझे अच्छे से जानते हैं और उन्हें पता भी है कि मैं किस विचारधारा का हूँ। वो इस तरह की बातें गदर 2 के बारे में कह रहे हैं, जिसे सोचकर मैं हैरत में हूँ। अनिल आगे कहते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि गदर 2 किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, न किसी देश के खिलाफ है। गदर अपने आप में एक ऐसी फिल्म है जो देशभक्ति से भरी हुई है। वो एक सीक्वल का हिस्सा है, एक प्रॉपर मसाला फिल्म है जिसे सालों से लोग देखते आ रहे हैं। तो मैं नसीर साहब से यही कहना चाहूँगा कि वो एक बार गदर 2 ज़रूर देखें, वो अपना स्टेटमेंट ज़रूर बदल लेंगे। मुझे तो अब भी लगता है कि वो ऐसी बातें कह ही नहीं सकते। मैं उनकी एक्टिंग का मुरीद रहा हूँ। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मेरी दरख्वास्त है कि वो एक बार फिल्म ज़रूर देख लें। मैंने हमेशा सिनेमा मसाला के मकसद से ही बनाया है, इसमें मेरा कभी कोई भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं रहा है। इस बात से नसीर साहब खुद वाकिफ हैं। वहीं दूसरी ओर एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स बनाई, उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता वो फैसला करे कि कौन सी अच्छी फिल्म है और कौन सी बुरी। मेरे ख्याल से उन्हें वो फिल्में पसंद है जिसमें भारत की आलोचना दिखाई जाती है। कुछ लोग जिंदगी से परेशान हैं, वो नेगेटिव खबरों और चीज़ों में यकीन करते हैं। इसलिए मैं नहीं जानता कि नसीर भाई क्या पसंद करते हैं। मैं उनकी एक्टिंग का फ़ैन हूँ, उन्हें फिल्म द ताशकंद फाइल्स में भी कास्ट किया था, लेकिन अब वो इस तरह की बातें करते हैं। शायद वो ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और शायद अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं। आपको बता दें कि नाना पाटेकर ने भी वैक्सीन वॉर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिट हुई फिल्म पर कटाक्ष किया था। किसी का नाम नहीं लेते हुए नाना ने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट से वो इतने हैरान थे कि मजबूरन बीच में उन्हें थिएटर छोड़कर बाहर आना पड़ा था। ऐसा कहा जा रहा है कि गदर 2 के प्रीमियर में नाना पहुंचे थे तो कहीं उनका इशारा अनिल शर्मा के फिल्म की ओर तो नहीं था। अब ये आप लोग तय करें। अब ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।